जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं हूं अभी हरियाणा में, किसी काम से आया था ननिहाल के यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पर आए हुए हो गए हैं 3 दिन, आज है चौथा दिन और कल मेरी कल घर की वापसी है। तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ किसी काम के लिए। एक्चुअल में काम क्या था कि जो हमने लीज पे 7-8 किले जो हमने जमीन ली हुई है, तो उसमें कुछ पानी वानी का जैसे सिस्टम था, पानी को कैसे लेके एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लेके जाना है, तो वो सब हमने अरेंजमेंट के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो कुछ दवाइयाँ वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह ये सब डालने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ था। तो डैड ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपको वहाँ जाना है और वहाँ पर जाके आपको इस तरह से पेस्टिसाइड का जो भी काम है वो सारा आपने करना है। तो बस फिर मैं 1 जुलाई को वहाँ से चला था, 2 को मैं आ गया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये हुई कि जब मैं 2 को आया और 2 को नून में बारिश हुई, 2 को नहीं 3 को आई थी, 3 को नून में बारिश हुई। और उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो कुछ फ़ोन ना प्रॉब्लम कर रहा था, तो फ्रॉम प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने सोचा कि चलो उसका थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। तो कुछ जो कैशे मेमोरी है फ़ोन के उसको हैंग हो रहा था एक्चुअली, तो ठीक कर लेते हैं। तो बस ठीक तो क्या था, गलती से दूसरा बटन दब गया और सब कुछ वॉश हो गया। ये जो मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको दिखाया था, तो वो सब कुछ वॉश हो गया। तो चलो वो तो मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया था। तो बहुत दिक्कत आई है क्योंकि बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे ख़त्म हो गए। अब एक ही चारा बचा है कि वीडियो के ज़रिए जिनके कॉन्टैक्ट थे उनसे मंगवाए जाएँ, तो वो मैंने किया है। दूसरा ये कि एक 3 को ही बारिश जो आई थी, उसके बाद इवनिंग में मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, सिनेमेटिक शॉट्स हैं। बारिश के बाद गांवों का माहौल कैसा होता है वो मैंने दिखाया है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह से गांव और एक नहर का स्लो मोशन में मैंने वीडियो बनाया है। तो आप सिनेमेटिक जो वीडियोज़ हैं आप वो इन्जॉय करिए, मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए ये जो आपको दिख रही है, ये जो पानी है ये बेसिकली जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ जाता है। वो देखिए इस तरह से ये वाला नहर का पानी उस गांव में ही जाता है जहाँ पर मतलब मैं स्टे कर रहा हूँ, और बाकी ये छोटे छोटे नाले हैं जो यहाँ से निकलते हैं और आगे जाते हैं। तो इस तरह से जगह जगह मतलब पानी की जो पूर्ति होती है वो इस तरह से पूरी होती है। Thank you.
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके सिनेमेटिक शॉट्स आपको अच्छे लगे होंगे क्योंकि कैमरा सही से सेट नहीं हो रहा है। हाँ तो सही अच्छा लगा होगा क्योंकि गांवों में तो ऐसे ही व्यूज़ दिखते हैं मिलते हैं, इसी तरह से गांवों की ज़िंदगी चलती है। और नहर का बेसिकली बहुत ही अच्छा लगा मुझे व्यू, और मैंने हर एंगल से बनाया जिस एंगल से मैं बना सकता था। तो बस ये थी मेरी सिनेमेटिक शॉट्स की एक छोटा सा व्लॉग, और मैं अब जब यहाँ से कल निकलूँगा अपने घर के लिए और यहाँ से गांव से लेके पूरा अबोहर तक का मैं पूरा बड़ा व्लॉग बनाऊँगा और उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि जो ट्रेन है, ट्रेन की जो जर्नी है, मैं कौन सी ट्रेन में जाऊँगा। और मैंने वैसे तो एसी का मैंने बुक करवा रखा है, एसी चेयर कार, सिटिंग चेयर कार बोलते हैं उसको, एसी चेयर कार। तो उसका पूरा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक सिटिंग अरेंजमेंट है, कितने टिकट का खर्चा लगता है, कहाँ से लेके कहाँ तक, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो चलिए, आई होप आपने ये छोटा सा व्लॉग जो है सिनेमेटिक वाला आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।